दशहरी देखिए, फलों में सबसे अच्छा फल राजा फल कहा गया दशहरी आम, आम जो है। और दशहरी खाने में बहुत अच्छी, और उसका रेशा भी उसमें नहीं, दांत में नहीं फंसता, दांत में नहीं फंसता है। लखनऊ का फंस जाता है कभी कभी, लखनऊ का तो उसने कहा फंस जाता है। दशहरी और चौसा दो आम बहुत अच्छे, इनके कोई बगैर रेशे के ये आम। के बाद नंबर लगता है दूसरी क्वालिटी का। पहुंचे हैं हम मालदा की एक किस्म है आम की। मालदा एक शहर भी है। हाजी साहब बताएंगे क्या लंबाई चौड़ाई होती है इसकी। मालदे की लंबाई चौड़ाई जो है लगभग 700-800 ग्राम वजन की। एक आम 700-800 ग्राम। तो आप ये देखिए, अच्छा खाने में क्या रहता है? खाने में बगैर रेशे का आम होता है, रेशा नहीं होता है, मीठा कम होता है, मीठा थोड़ा सा मीठा कम होता है। शुगर फ्री वालों के लिए सजेशन? शुगर फ्री वालों के लिए ठीक है, खा सकते हैं, खा सकते हैं तो बढ़िया है। और वजन में ज़्यादा है और खाने में भी थोड़ा सा शुगर फ्री। हाँ, इसको एक आम पक्का जो है हर आदमी खा नहीं पाता जल्दी। अच्छा, मतलब ये जब आप लोग खाएंगे नहीं, हम पेट भर जाएगा, खाना ना खाया जाए तो एक आम खा ये देख लीजिए। हाजी साहब बिल्कुल ग्राउंड से हमको बता रहे हैं और आम की किस्मों के बारे में और आम के बारे में। चलिए और आगे अब थोड़ा सा और आगे बम्बैया आम आपको। आप बम्बैया का नंबर ये क्या खासियत है? वैसे सब मुंबई शहर भी है, अब मुंबई हो गया। खाने में बहुत अच्छा आम होता है। हाँ। और मीठा और रेशे के आम जो है खाने में। तो ये भैया दशहरी से भी बहुत अच्छा आम, मीठा खाने में, मतलब दशहरी खाने में दशहरी से भी उम्दा क्वालिटी। तो हाजी साहब का कहना है कि दशहरी से उम्दा क्वालिटी में है और थोड़ा सा बड़ा भी है। दशहरी अपनी जगह के ऊपर वही है, लेकिन इसका मजा खाने में दशहरी से भी अच्छा है। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस तो आपको हम नहीं घुमा पाए, लेकिन बनारसी आम से ज़रूर आपको रूबरू करा रहे। हालांकि मेरे हाथ में जो आम है थोड़ा सा रोग लग गया है, इसमें काला पड़ चुका है। क्या कारण है इसका? इसमें धुलाई दवा सही ना होने की वजह से ये हुआ, जो कीड़ा नहीं, इन्फेक्शन है या फिर दवा? इन्फेक्शन नहीं, दवा जो कीड़ा यहाँ पैदा हुआ उस कीड़े से, दवा से मरा नहीं कीड़ा। अच्छा, क्या खासियत है इस आम में? मतलब बम्बैया की अपेक्षा करें या फिर नहीं, इसका अलग टेस्ट है, बम्बई से भी अलग टेस्ट है इसका, बनारसी लंगड़े का। खाने में इसमें भी रेशा नहीं है। अच्छा, रेशा रेशा नहीं है अपने, लेकिन इसका खाने में बहुत इतना अच्छा टेस्ट होगा कि जो खाएंगे इन सब आमों का अलग टेस्ट मिलेगा, अलग मजा होगा। किस्में अगर बनाई गई तो सिर्फ सिर्फ मजे के लिए। ये पूरा बाग ही किस्म का, जो पुराने लोग थे वो खाने के लिए ही लगाते थे, कमर्शियल कोई चीज़ यूज के लिए वो नहीं लगाते थे कि हम कमर्शियल कहीं बेचेंगे। तो दशहरी तो कमर्शियल यूज में है कि उसकी बिक्री मार्केट में बहुत है, लेकिन वो सब एक एक दो दो पेड़ का लगाते थे, तीन तीन पेड़। तो इस बाग में पूरे दो दो तीन तीन पेड़ सब हर चीज़ के मिलेंगे आपको। मालदे के भी दो मिलेंगे, एक फकीर वाला है वो भी मिलेगा, कमाल वाला भी, ये सब मिलेंगे आपको एक एक दो दो पेड़। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा हमारे मन में जानने की जिज्ञासा है, ये जो किस्मों का नामकरण होता है तो ये कैसे हो जाता है, मतलब ये नामकरण कैसे लोग करते हैं? ये सब पहले जो लोग लगाते थे वो अपना तैयार करते थे। अच्छा। और अपनी अपनी पसंद का रखते थे कि हमारी पसंद का है, जब आया तो वह तब वो लोग नाम देते थे। जैसे यहाँ एक बड़े आम के बागान जिनका नाम बड़ा फेमस, कलीमुल्ला खान साहब, तो उन्होंने एक डॉक्टर आम बना दिया, एक प्रधानमंत्री के नाम पे बना दिया, एक अमित शाह के नाम पे बना दिया। तो वो तो कमर्शियल के नाम फेमस हो जाए इसलिए उन्होंने बना दिया, व्यवसाय जो है कि उन्होंने वो खुश हो जाए, खुश करने के लिए। पहले किसी को खुश करने के लिए आम नहीं, ये फल पेड़ नहीं लगाते थे, वो अपने अपने खाने के लिए जो हमको अच्छा लगा उसका नाम उन्होंने अपना दिया। अब किसी को खुश करने के लिए नहीं, क्या अब जैसे माननीय मंत्री जी के नाम रख दिया, अमित शाह जी के नाम, तो अब उनको खुश करने के लिए किया। अब एक मोदी जी के लिए नाम रख दिया, मोदी जी ने खाया भी नहीं, और नाम पहले नामकरण हमने कर दिया कि अच्छा लगे लगे तभी तो होगा। तो ये नामकरण तो खाली खुश करने के लिए नाम चल रहा है। पुराने वाला जो होता पुराना है। पुराने लोग जो थे वो प्रॉपर अपना टेस्ट की वजह से अपने खाने निगरानी में खा करके जब वो नाम करते थे कि ये अच्छा है या बुरा है, जो भी चीज़ें हैं वो अच्छा है। मेरे हाथ में जौहरी सफ़ेदा नाम का आम है, उसी के पेड़ के नीचे हम लोग खड़े हैं। खूबसूरती और खासियत को सिर्फ नवाब साहब ही बता सकते हैं। हमारे साथ ये मान लीजिए आप कि दूसरे कलीमुल्ला खास साहब खड़े हैं इस समय, और वो बेहतर करके एक एक प्रजाति हमको बताते जा रहे हैं, और हम वो सारी जानकारी आप तक शेयर करते जा रहे हैं। हाँ भाई, क्या खासियत है ये जौहरी सफ़ेदा? इसका रसीला, बहुत रसीला आम होता है, मीठा
और इसको खाएंगे तो दिन भर इसकी डकार इसी इसकी आएगी, जैसे कोई पेप्सी या कोई चीज ले लेते हैं, कोका कोला पी लेते हैं तो हमारे डकार पे डकार डकार ये इसी को जो है इसकी डकार। तो कोका वाले जब भी दो आम खा लीजिए, दिन भर इसी का मजा टेस्ट लीजिए कि यही है जो फार्मूला यही से गया था क्या पेप्सी वाला लगा फार्मूला तो वो तो जहाँ से लाए हुए वही बता पाएंगे हम आम के बारे में बता पाएंगे कि ये जौहरी सफेदा अगर खाया जाए, लेकिन अब ये प्रजाति बहुत कम हो रही है अपने यहाँ। फॉरेनर लाख तरक्की के गुणगान कर ले, लेकिन भारत में जैसा माल है उस पे हमें हमेशा से यकीन रहा है, गुमान रहा है। अच्छा ये तरल पदार्थ होता है इस पे, इसको चोपी टाइप का बोलते हैं, ये इसका क्या रहता है बड़ा, मतलब आम में कभी कभी ये ना हो तो इसकी बदौलत कमजोर होती तो टूट के गिर भी जाता है, यही पकने के ऊपर यही टूट गिर जाता है जब कमजोर होती है। तो ये दूध एक टाइप से मान लीजिए उसका, इसकी जो है पेड़ से इसको इसी की ताकत मिलती है पेड़ से। मौसम ने इस बार कितना नुकसान किया आम को? मौसम ने आंधी वगैरह हवा बहुत परसेंटेज हमारे यहाँ नुकसान आंधी वगैरह से नहीं हुआ है, बहुत नहीं, सिर्फ मेन नुकसान जो हमारे यहाँ है वो सिर्फ दवा से हुआ है। आप कितनी किस्में बकाया रही होंगी अभी इस बाग में? अरे अभी तो इसमें है बहुत सी, अभी हम लोग बताइए मतलब 25% कह चुके, 25% चल चुके हैं, अभी 75 बाकी है। तो हम लोग घूमते रहेंगे, शायद सावे हो जाएंगी हमें, लेकिन किस्में खत्म नहीं होंगी, लेकिन यात्रा को धीरे धीरे हम विराम जरूर देंगे। अच्छा हम मीडिया कर्मियों के सामने एक बड़ी चीज़ होती है कि उठाओ माइक और जहाँ हो चल दो आप, और कभी कभी हम लोग ऐसे ज्ञानियों के चक्कर में फंस जाते हैं कि हमारा ज्ञान उनके आगे छीड़ हो जाता है। तो ये मेरे हाथ में एक आम है, नाम है इसका चांदनी, अक्सर ये महिलाओं का नाम होता है लेकिन ये इस समय एक आम का नाम है। क्या खासियत है भाई इसकी? ये आम जो है खाने में बिना रेशे का ये भी है और इसका भी टेस्ट अलग है बिल्कुल। जितने आम हमने आपको दिखाए हैं ये किसी भी आम का एक टेस्ट नहीं हो सकता। अच्छा अभी हमने आपके बागवान को आम तोड़ते हुए देखा, मतलब इतनी ट्रेनिंग शायद सालों में लोगों को होती कि लग्गी से आम टूटा तो लग्गी में ही फंसा रहेगा जमीन पे नहीं, तो ये भी एक अरसे की ट्रेनिंग के बाद ही आता है? नहीं नहीं बिल्कुल, इसको इसी तरह से तोड़ा ही जाता है। अच्छा। कि ये जो है आम पक्का आम अगर इस तरह से न तोड़ा जाए तो ये नीचे आ करके फूट जाएगा अगर नीचे गिरेगा। दूसरी बात है कि डंठल लगा हुआ रहता है, मतलब चोपी से नहीं टूटता। चोपी नहीं, चोपी तो बाद में हमने तोड़ी, चोपी लगी रहती है, कट जाता है। पजरी आम, ये कुछ दशहरी का भाई बहन लग रहा है मे भी? नहीं नहीं दशहरी का भाई बहन नहीं, चौसे से भाई बहन मिलाइए। हाँ दशहरी का नहीं भाई बहन, और ये जुलाई में जा करके ये पकेगा। अच्छा सीजन पे? हाँ ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही कि आम की फसल मतलब बेसिकली चार ही महीने की होती है, चार महीने में सब खत्म कि और भी अरसे तक? नहीं नहीं बस यही है, सिर्फ चार महीने मेन फसल यही है। पकाओ कितना टाइम तक रहता है? मतलब जैसे दशहरी है तो ये मई तक पकने लगती है? मई से स्टार्टिंग हो जाती है और जून भर रहती है। अच्छा तो ये जुलाई अगर जुलाई में फिर चौसा दशहरी खत्म हो जाती है, चौसा आता है, लखनऊआ सफेदा आता है, लंबा पीरियड एक तैमूरिया है वो आता है और फजरी आती है। और ये ज्यादा दशहरी वगैरह लॉन्ग टाइम टिकती भी नहीं है, अगर आप लॉन्ग टाइम वगैरह में तो अक्सर वो मोटा चौसा चौसा रुकेगा और ये फजरी रुकेगी लॉन्ग टाइम। तो अभी ये फजरी में नवाब हसन साहब की उम्र करीबन 50 के ऊपर होगी, लेकिन सर का रूटीन आज भी यही है कि कम से कम 5 से 8 बाग होंगे, लेकिन सुबह हर एक बाग का एक चक्कर लग जाता है। जी एक बार लगता है। अच्छा ये आम बता रहे थे आप, बड़ा खूबसूरत। हाँ ये सुरखा, खाने में भी उतना ही खूबसूरत। अच्छा खाने में भी? हाँ खाने में भी। ये रेशा होता है इसमें? रेशा नहीं है, बिना रेशे का है। बिना रेशे का? बिना रेशे का है, चौथी की तरह का बिना रेशे का, और कलरफुल बहुत जो है, अब इसमें कलर आ रहा है, ये 1 हफ्ते 10 दिन में इसमें कलर आ जाएगा और बिल्कुल ये 2 सेट में होगा। अभी और रंगीन होगा यानी? हाँ ये रंगीन, ये रेड पे जाएगा और येलो जाएगा, हल्का पीला और रेड, पीला लाल और ग्रीन। हाँ ग्रीन ग्रीन तो रहा है, ग्रीन तो हाई है बेस, और रेड और येलो दोनों रहा कलर। आप ये देखिए, यकीन जानिए कि इतनी खूबसूरती से बारे में आपको आम के बारे में किसी नहीं बताया होगा जितनी खूबसूरती से हम आपके बारे में। एक पका आम टूट के भी आया है और ये आया है अच्छा सा बढ़िया पीला सा, और मतलब अभी ये इसकी वजह से कमजोर है ना, ये रेड और येलो दोनों दोनों कलर थोड़ा सा कम दिख रहा है। ये अभी टाइम से अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है, ये हल्का हल्का। हाँ लेकिन खाने में यही आम मजा, खाने में देखिए इसका इसकी चलिए हम आम भी खाएंगे, इसके खुद वो भी ले लीजिए आप देखिए, वास्तव में बड़ा जबरदस्त टाइप का है, मतलब सब कोई एक आम आपको एक खुशबू का नहीं मिला होगा। और अच्छाई ये है कि नवाब हसन साहब साथ में आम तोड़वा भी रहे हैं और एक एक और दिखवा भी रहे हैं हमको, तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमने एक ऐसे आदमी का हाथ संग किया। आपको ये काम और तो दिखा दें, मछली मछली तो खवातीनों हजरात, लखनऊ के जायके के शौकीन, अभी आपको
मछली बहुत ज्यादा पसंद होगी, तो हम मछली अब उस मछली की बात नहीं करेंगे, एक आम का नाम है मछली, क्यों ना आम साहब? जी जी। तो क्या खूबसूरती है इस मछली, जैसे आम की दिख भी मछली जैसा ही। ये भी बहुत मीठा आम जो है और बिना रेशे के है। अच्छा, लंबाई बिल्कुल आप देखिए इसकी, तो मछली है। क्वालिटी तो आपकी, हमने जो गांवों में सुना है कि किसी को गिराई कहते हैं, तो किसी क्या है? ये तो जो मतलब ये उस टाइप की लग रही है। हाँ बिल्कुल, मछली ही की तरह का है आम बिल्कुल। और एक क्वालिटी आप और बता दीजिए, सबसे उम्दा चौसा, तो आप चौसा से रूबरू करा दीजिए। चलिए तैमूरिया से करा दे। के अगले क्रमांक में हम पहुंच चुके हैं चौसा आम के पास, हालांकि थोड़ा ऊंचाई पे है, दूरी पे है, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। बिना रेशे का बहुत अच्छा मीठा आम चौसा होता ही है। नाम क्यों है इसका? आए? चौसा ही अब क्यों? ये तो पुराने लोग बता पाएंगे, इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे कि चौसा ही नाम क्यों है। अच्छा, बड़ा होता है थोड़ा? बड़ा होता है आम, खाने में भी बहुत अच्छा होता है, रसीला आम होता है, बहुत अच्छा बगैर रेशे के होता है। एक अभी आप कुछ तैमूरिया आम बता रहे हैं। हाँ तैमूरिया, वो रेशेदार होती है, वो भी जुलाई में ही पकती है। अच्छा, इसी के साथ साथ वो भी? हाँ वो भी जुलाई में। घूमते घुमाते आखिर हम आ ही गए तैमूरिया के पास में। तैमूरिया को आप तैमूर से ना कनेक्ट कीजिएगा, तैमूर वो एक अलग नाम है, एक अलग विषय है, लेकिन ये आम है तैमूरिया, कहने में दशहरी का भाई है। हाँ, लेकिन इसका टेस्ट अलग है, इसमें बहुत रेशेदार आम है। मतलब लोग धोखाधड़ी के नाम पे बिल्कुल रेशा इसमें बहुत धोखा जो हो जाए, इसकी पहचान जो है दशहरी से मिल जाती है, लेकिन ये तैमूरिया आम है। मतलब दशहरी के साथ में इसको चला सकते हैं? हाँ चला सकते हैं इसको, और तैमूरिया है उसमें रेशा बहुत होता है। रेशा बहुत होता है, दशहरी में नहीं होता है। दशहरी में रेशा नहीं होता, मीठा भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं, जो हाजी साहब का कहना है कि वो जिसमें रेशा मिल जाए तो वो तैमूरिया। हाँ दशहरी नहीं है, उसकी पहचान ये समझ जाए कि उसकी दशहरी नहीं है, रेशा है तो वो तैमूरिया है। तो अब आखिर में हमारी यात्रा लगभग समाप्ति की ओर है अभी। हाँ समाप्ति की ओर है, अक्रम खाजा बचा है। अच्छा, अक्रम खाजा साहब से आपको मिलवा देते हैं। यात्रा का अंतिम पड़ाव है, दो दो मेहमान हमारे साथ हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं इनका कि आज आपने इस तरीके से हमको बागों का दीदार कराया, दर्शन कराया। एक आखिरी जो सबसे खूबसूरत सा आम है, या फिर कह लें एक अजीब यूनिक नाम है उसका, अकरम खाजा। अकरम खाजा क्या खासियत है भाई इसकी? इसका खाने में बगैर रेशे का ये भी आम है, और खाने में इसका भी टेस्ट अलग है बिल्कुल। मतलब हाँ बहुत बहुत अच्छा, जितनी क्वालिटी उतने ज्यादा टेस्ट, जितने ज्यादा उससे जो है इसका भी टेस्ट अलग, और पकता जो है, पकने का टाइमिंग इसकी जो है जून की शुरू है, 15 से पहले, 15 जून से पहले पकना शुरू हो जाता है। ये भी कितने इस बागान में आपके ब्रांड होंगे, मतलब अगर किस्मों की बात करें आपकी गिनती में? अब इसमें 50 तो हमारे पास है, 50 ब्रांड के। नदीम साहब बातचीत करके आपसे बड़ा अच्छा लगा है। सब आपने लिए नहीं है, जो बीच में छोड़ दिए हैं, आपने कहा हम थक गए हैं, तो हमने कहा चलो हम थक गए हैं, लेकिन आम की किस्में नहीं थकी हैं, फिर कभी आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि लंबा है समय की सीमितता है हमारे पास। आप दोनों मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया है जी जी, कि आपने इस तरीके से जी जी समय जी जी सर, बहुत शुक्रिया। चलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो है, आप लोग आए यहाँ की जो है समस्या जो है ले जाएंगे आगे, आप दिखाइए कुछ समस्याएं किसानों की खत्म हुए हमारे क्षेत्र की, तो वही हमको खुशी होगी जो है। शुक्रिया। एक आदमी ने धोया 2.5 बीघे का बाग, यही है, अगर कहेंगे तो हम दिखा देंगे। ले 2.5 बीघे का बाग उसने धुलाया बनाया, और उसने मई के महीने में कटा दिया, उसके पास 2.5 बीघे की धुलाई के पैसे नहीं दे पाया, 2.5 बीघे, और 2.5 बीघे में 100 पेड़ दशहरी का, 100 पेड़।